हेलो दोस्तों, प्रभात किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ ढाबे स्टाइल में गोभी का पराठा। ये पराठा बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी बहुत आसानी से बन जाता है, बच्चे भी बहुत मन से पसंद करते हैं। तो चलें आज हम एंजॉय करते हैं ढाबे स्टाइल में गोभी के पराठे के साथ। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी जानने के लिए प्रभास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। पराठा बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। हमने एक मीडियम साइज का गोभी ले लिया था, उसको हमने खड़े ही गोभी को धुल लिया था और अच्छे से सूखा कर लिया था, क्योंकि अगर हम गोभी को तोड़ के धुलेंगे तो उसके अंदर सारे पानी भर जाएगा और फिर घिसते भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने गोभी को खड़े ही धो लिया था और इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस भी हमें मीडियम करना है, ना बहुत महीन करना है और ना बहुत मोटा करना है। और ये हमने आटा ले लिया है। आटा आप उस हिसाब से ले सकते हैं जिस हिसाब से आपको पराठा बनाना है, जितने लोग खाने वाले हों। और ये मैंने 4 उबले आलू ले लिया है और ये 100 ग्राम हमने पनीर ले लिया है। ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, नमक है, ये आधा चम्मच हींग है, ये जीरा है, ये अदरक हमने घिस के ले लिया है और ये हरी मिर्च है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और हमने देसी घी लिया है। आप देसी घी की जगह आप रिफाइंड भी ले सकती हैं और सरसों का तेल भी ले सकती हैं। जिस चीज से आप बनाती हो उसी से आप बनाइएगा। और ये हमने थोड़ा पानी ले लिया। तो चलिए आज हम कुछ अलग तरीके से गोभी का पराठा बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना आटा गूंथेंगे। आटे में हम ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें भरावन में भी नमक डालेंगे। और ये थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे। अब हम अपना आटा अच्छे से घी को मिला देंगे। इस तरह से घी हमारा मिल गया। अब हम अपना पानी डालते हैं। आटा हमें बहुत सूखा नहीं गूंथना है, थोड़ा सा गीला ही गूंथना है ताकि हमारा अच्छे से भरावन भर जाए। ये देखिए आटा हमारा गूंथ गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा और हाथ में घी लगा के इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा इस हम चिकना कर लेंगे। और इसको हम 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। देखिए आटा हमारा बहुत सूखा नहीं है, देखिए कितना गीला है। इसी तरह से हमें आटा गूंथना है। अब इसको हम इस तरह से गोल करके और 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। ये हम अपना गोभी ले लिए हैं। अब इसमें जो है हमें ये जो आलू उबाल के रखा है इसको हम इस तरह से इसमें कद्दूकस कर लेंगे। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे इस तरह से और इसको इसमें डाल देंगे। अब इसी में हम अपना ये पनीर भी डाल देंगे। और ये अदरक भी डाल देंगे। और ये जो हमने जीरा और हींग लिया है इसको भी इसमें डाल देंगे। आप लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं, हम लाल मिर्चा यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं। ये हमने हरी मिर्च भी डाल दिया। अब ये थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब इसको हम सबको अच्छे तरह से हाथ से ही मिलाएंगे। अब इसी में हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा। नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि आटे में हमने नमक डाला है। अब इसको अच्छे से सब मिला लेंगे। ये देखिए ये भरावन हमारी अच्छे से तैयार हो गई। अब हम अपना पराठा बनाते हैं। देखिए अब मेरा भरावन तैयार हो गया है। अब हम चलें पराठा बनाते हैं।
अब ये हम आटा ले लेंगे, 5 मिनट आटे का हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से हल्के हाथ से गूंथ लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गया आटा, कितना चिकना आटा तैयार हुआ है। अब चलिए हम अपना गैस जलाएंगे और इसके ऊपर ये पैन रख देंगे। जब तक ये पैन गर्म हो रहा है तब तक हम अपना पराठा बना लेते हैं। हम ये थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, इसको थोड़ा अलग रखेंगे, इसमें ये डालेंगे। अब आटे से हम थोड़ी सी इस तरह से लोई ले लेंगे, इसको इससे गोल कर लेंगे और हल्के हाथ से बेल लेंगे आटा डाल के। अब इसमें से थोड़ा सा हम ले लेंगे, आप इसको गोली बना के भी रख सकती हैं। अब इसको हम लेके इस तरह से इसको भर देंगे। आपको ज्यादा पराठे बनाने हैं तो दोनों की गोलियां बना लीजिए, उसके बाद जो है फटाफट बन जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा बना है, इसको हल्के हाथ से जरा सा इस तरह से करके अब आप बेल लीजिए। ये देखिए जरा सा भी नहीं फटेगा, बहुत अच्छा पराठा बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है, पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम ये पराठा डाल देंगे। अब हम इसको पलट देंगे और इसमें घी लगाएंगे। अब इसको दूसरी तरफ भी पलट के घी लगा देते हैं। अब इसको हल्के हाथों से दबा के सेक लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया फूला है, ये देखिए बहुत ही अच्छा पराठा बनता है और बच्चे भी बहुत मन से इसको खाएंगे। इसको दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखिए किस तरह हमारा पराठा फूल गया है चारों तरफ से। ये देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और अपना पराठा निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा है गोभी का। अब इसी तरह से हम और भी पराठे बना लेंगे। एक पराठा और बनाना आपको बता देते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा आटा डालेंगी और ये थोड़ा सा आटा लेंगे। आटा देखिए गीला ही है, ज्यादा सूखा आटा हमें नहीं रखना है, नहीं तो हमारा पराठा नहीं बन पाएगा। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा आटा लगा के हल्का से बेल लेंगे। दूसरा हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। अब इस तरह से हमने ये ले लिया भरावन और भरावन को हमने भर के अच्छे से इसको माउंट कर दिया। उसके बाद इसको हल्के हाथ से दबा के इस तरह थोड़ा सा आटा लगा के इसको इस तरह से कर देंगे आप, तो बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। अब इसको हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखिए पराठा बनके तैयार हो गया। अब हम इसको सेक लेते हैं। अब हम अपने तवा पे डालते हैं इस तरह से। अब हम पराठे को पलट देते हैं। ये देखिए हम दूसरा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो बनाने में। अब दूसरी तरफ भी हम पलट के इसको सेक देते हैं। ये देखिए
घी लगा देंगे। ये देखिए किस तरह से कितने अच्छे से अपना पराठा फूला है। इसको हल्के हाथों से दबा के, गैस हमारी मीडियम पे ही रहेगी, बहुत धीमी नहीं रहेगी ना बहुत तेज रहेगी। इस तरह से हल्के हाथों से इसको दबा के आप सेक लीजिए। ये पराठा हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में लेके निकाल देंगे। देखिए हमने आपको फिर से पराठा बनाना बता दिया, दोबारा आप लोग जरूर बनाइएगा इस पराठे को, एकदम ढाबे स्टाइल पराठा है ये। ये देखिए ढाबे स्टाइल गोभी का पराठा बनके तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी पराठा बना है और देखिए कितना बढ़िया ये फूला हुआ है। आप लोग जरूर अपने बच्चों के लिए ये पराठा बनाइएगा, ये बहुत हेल्दी भी है और खाने में स्वादिष्ट भी है। तो चलिए आप लोग इस पराठे को बनाइए और इंजॉय करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।